होली की खुशियों और उड़ते गुलाल के रंग के बीच जब युवक की हत्या का मामला सामने आया तब इलाके में तनावपूर्ण स्थिति बन गई। हालात बिगड़ते देख इलाके में भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात किए गए। इस दुख की घड़ी में मृतक के परिवार वालों ने पुलिस पर संगीन आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही है। मिली जानकारी के मुताबिक मृतक युवक की पहचान बंटी, जिसकी उम्र 23 साल बताई जा रही है, वह परिवार के साथ उलंबी कलां फेस डैश 2 ब्लॉक के में रहता था। बंटी रेस्टोरेंट में नौकरी करता था। इस लड़ाई और हत्या के पीछे एक मामूली विवाद है। मृतक के परिवार वालों ने बताया कि इलाके में पानी को लेकर काफी समय से परेशानी है और होली के दिन पानी सुबह से नहीं आ रहा था। जब शाम को घर के पास ही एक नल में पानी आ रहा था तब बंटी बाल्टी लेकर पानी भरने के लिए गया था। तभी वहीं के रहने वाले युवकों से पानी भरने को लेकर बंटी की कहासुनी हो गई। इतना ही नहीं, ये कहासुनी हाथ पाई तक आ गई, जिसके बाद आरोपियों ने पहले बंटी की बुरी तरह से पिटाई की और फिर चाकू से उस पर जानलेवा हमला किया। लेकिन आरोपियों की हैवानियत यहीं नहीं थमी और जहां ये विवाद हो रहा था वहीं कुछ लड़के बियर पी रहे थे। आरोपियों ने उनसे जबरन बोतल छीनकर बोतल को जमीन पर मारकर तोड़ दिया, फिर बोतल के टुकड़े से बंटी के गले पर वार कर दिया, जिसके बाद बंटी सड़क पर खून से लथपथ हालत में गिर गया। शोर सुनकर लोग मौके पर पहुंचे, जिसके बाद इस बात की जानकारी मृतक के परिवार को मिली और जिसके बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची। साथ ही बंटी को तुरंत बाबा साहेब अम्बेडकर अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने बंटी को मृत घोषित कर दिया। आरोपी दूसरे समुदाय से होने पर इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। इस तरह की खबरें हमें अपने आप में ही शर्मिंदा करती है, क्योंकि आज का समय इतना ज्यादा खराब हो चुका है जहां ऐसी छोटी छोटी बातों पर मामला इतना बढ़ जाता है और बात जान लेने तक आ जाती है, या फिर अब आरोपियों के मन में कानून का डर नहीं रहा। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर कब तक इस तरह की वारदात सामने आती रहेगी और आरोपियों के हौसले और बढ़ते रहेंगे। मेरा नाम मंजू है, मैं मेट्रो बिहार ए ब्लॉक में रहती हूँ और सब पूरी जनता के सामने उसने लड़के की बोतल मारी है और बेफालतू का मारा है, वो चाकू भी मारा है उसका। हमने पुलिस वालों को फोन करा, पुलिस वालों ने हमारा फोन उठाया नहीं है और हम इतना बोल रहे हैं भेजो एम्बुलेंस, भेजो एम्बुलेंस भी भेजा उन्होंने और पुलिस की लापरवाही पूरी है इसमें, दिल्ली पुलिस की। और हमने उस लड़के को गाड़ी में भी मारा, टाइम से एम्बुलेंस आ जाती तो बच्चे की जान बच जाती, हमारे बच्चे की, पूरी जनता की बच्चे। फिर कह रहे हैं वाले तो कीड़े मकोड़े, झोपड़ी वाले कीड़े मकोड़े हैं और ये हफ्ता लेते हैं गांजा वालों से, स्मैक वालों से, दारू वालों से हफ्ता लेके कुछ कार्रवाई नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं, घूमते भी नहीं गाड़ी लेके, होली आती है पैसे लेके भाग जाते हैं हफ्ता दारू वालों से।